चाहे दिल्ली हो, मथुरा हो, आगरा या फिरोजाबाद, हर जगह यमुना के बढ़ते जलस्तर ने बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं। सन 1978 और 2010 के बाद यमुना का इतना रौद्र रूप देखने को मिला है और लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ने से यमुना किनारे रहने वाले लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। यमुना से सटे जो गांव बसे हुए हैं उनमें पानी भरना शुरू हो गया है। लोग परेशान हैं। बाढ़ के पानी के चलते लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। बिल्कुल बंद। रोजमर्रा के काम कैसे हो पा रहे हैं आपके? काम हो ही नहीं पा रहे हैं। 8-9 बजे 10 बजे निकल पा रहे हैं। और इसी वजह के चलते अपने अपने काम पर भी नहीं जा पा रहे हैं। जो बच्चे देश का भविष्य हैं, उन्हें पढ़ लिख कर देश का नाम रोशन करना है, वे इस बाढ़ के कारण अपने अपने स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। गांव में बीमार बुजुर्गों को दवा लाने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ रहा है। यहां तक कि आलम यह है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने यमुना से सटे निचले इलाकों में बसे गाँव को खाली करने के भी निर्देश दे दिए हैं। साथ ही बाढ़ का जलस्तर और बढ़ने की चेतावनी भी जारी की है। करके चले गए कि हम जल से खाली करो बस। इसके बाद कोई और व्यवस्था नहीं? और कोई व्यवस्था नहीं है। घर खाली करो। आप लोगों ने बोला कि हमारे घर में सामान वगैरह है, वो हम कहाँ लेके जाएंगे? यूँ करे, घर खाली करो बस। ये हालात फिरोजाबाद के थाना बसई मोहम्मदपुर क्षेत्र में आने वाले गांव बागवाली ठार भैंसावाट के हैं। यह गांव यमुना से सटे होने के कारण यहां यमुना का पानी गांव में घुस आया है। पूरा गांव है, इसमें पूरे गांव में पानी आ चुका है। लोगों के जो खेत है, खेती है, वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। यहां बताते हैं लोग बाजरा की खेती कर रखी थी और खेतों में पानी आने की वजह से वो खेती भी पूरी तरीके से नष्ट हो गई है। और गांव में अंदर जाने वाला मुख्य मार्ग यमुना के पानी से भर गया है। गांव के आसपास खेती में खड़ी फसल भी पूरी तरह बर्बाद हो गई है। गांव बागवाली ठार की ये तस्वीरें आपको सब कुछ बयां कर देंगी। हालांकि यूपी की तरफ जो पानी छोड़ा जा रहा है उससे लगातार आगरा और फिरोजाबाद में भी यमुना का जलस्तर निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों को खासी परेशानी हो रही है। लगातार कल की बात की जाए तो कल यहां पर पानी थोड़ा कम था, लेकिन आज वहीं 1 से 1.5 फुट पानी और बढ़ चुका है। लगातार यमुना का जलस्तर दिल्ली के बाद मथुरा, मथुरा के बाद आगरा और अब फिरोजाबाद की बारी पूरी तरीके से। यहां पर फिरोजाबाद में भी कुछ गाँव ऐसे हैं जो बाढ़ के हालात जैसे वहां पर बने हुए हैं। और लगातार मैं आपको दिखा भी रहा था, कल हमने मथुरा की कुछ तस्वीरें आपको दिखाई थी, मथुरा में किस तरीके के हालात थे बाढ़ के। और आज फिरोजाबाद की बात करें तो पूरा ये गांव है पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है बाढ़ में। और लगातार यहां पे लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि अपने घर यहां से खाली करके चले जाएं, क्योंकि यमुना का जल स्तर बढ़ने से गाँव में पानी और बढ़ सकता है। कैमरामैन शैलेश झा के साथ दिव्यांशु कुलश्रेष्ठ, KIA न्यूज़, फिरोजाबाद। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये बाढ़ और आगे ना बढ़े, क्योंकि अब अगर यमुना का जलस्तर बढ़ा तो फिरोजाबाद की तस्वीरें भी मथुरा और दिल्ली जैसी बदतर हो जाएंगी। यमुना बाढ़ की लगातार अपडेट हम आपको इस चैनल पर दिखा रहे हैं। हमने आपको दिल्ली, मथुरा, आगरा, वृंदावन और फिरोजाबाद की तस्वीरें दिखाई हैं। अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। साथ ही नई खबरों के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर